हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टॉप 10 क्लासेस। तो बच्चों, मैं हूं प्रज्वल सिंह, आपका केमिस्ट्री मेंटर। आज बच्चों, हम आपका देखेंगे विद्युतीय गुण क्या आता है, ठोसों का विद्युतीय गुण के बारे में बच्चों अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, विद्युतीय गुण क्या है? किसी भी ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह होना, कि अगर विद्युत धारा किसी ठोस में प्रवाह होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, अगर विद्युत धारा प्रवाह नहीं होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम क्या कहेंगे। अगर विद्युत धारा जो प्रवाह होगी बहुत कम प्रवाहित होगी तो उसको हम क्या नाम देंगे। तो इस आधार पर हम देखते हैं बच्चों आपका विद्युतीय गुण। तो विद्युतीय गुण के आधार पर बच्चों, विद्युतीय गुण के विद्युतीय गुण के आधार पर, विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। विद्युतीय गुण के आधार पर बच्चों ठोस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो बच्चों जो निम्नलिखित हैं। तो बच्चे कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका चालक, कंडक्टर। दूसरा होता है बच्चा कुचालक, इंसुलेटर। तीसरा का था बच्चा अर्धचालक। क्या था आपका? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आप समझिए कि चालक क्या होते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखते होंगे, आपके घरों में कॉपर की तार लगी होती है या तो बच्चों एल्युमिनियम की तार लगी होती है। तो इन तारों का क्या उपयोग होता है? इन तारों की सहायता से विद्युत को एक जगह से दूसरी जगह तक क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो जिनकी सहायता से हम विद्युत को ले जाएं, मतलब कहने का वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। और कुचालक, कुचालक का क्या मतलब बच्चों? कुचालक का मतलब है जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो। तो ऐसे ठोस जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा उसको हम क्या कहेंगे? कुचालक कहेंगे। जैसे कि अक्सर आप देखते होंगे कि जब आप कभी लाइट का काम बच्चों करने जाते हैं या कभी आप किसी भी इलेक्ट्रिक बनाने वाले को देखते होंगे तो अपने पैर में बच्चों एक स्लीपर हमेशा पहने रखता है। ऐसा क्यों करता है वो? ऐसा इसलिए करता है कि आपको पता है आपके बॉडी में बच्चों पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और आपका अर्थ बच्चों एक कंडक्टर की भांति वहाँ पर बिहेव करेगा। तो इसलिए अगर हमारे शरीर में पाए जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी होते हुए कहाँ पर जाएगी? आपकी पृथ्वी पर चली जाएगी। तो अब इसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए हम क्या रखते हैं? अपने पैरों में स्लीपर पहने रखते हैं, जिससे कि खुदा न खास्ते कभी अगर ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ तो हम क्या जाए बच्चों? बच जाएँ। और कभी बच्चों देखिए, अगर आपको कभी किसी तार को छूना होता है, कभी भी खुले तार को आपको छूना होता है, तो लोग आपको सजेशन देते हैं कि आप इस खुले तार को हमेशा सूखी लकड़ी की सहायता से छूइए, सूखी लकड़ी की सहायता से आप लाइट को बनाइए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बच्चों कि सूखी लकड़ी आपका क्या होता है? कुचालक होता है, उससे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर बता सकते हैं कि कुचालक क्या है। ऐसे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह न हो उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और अर्धचालक किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बच्चों बहुत कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। कहने का मतलब बच्चों कि चालक क्या है? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है उसे हम क्या कहते हैं? अर्धचालक कहते हैं। इतनी बातें आई समझ में? और एक बात बच्चों, अगर हम बात करें इनकी चालकता की, अगर हम बात करें इनकी चालकता की, हाउ टू इजी फ्लो हियर इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें बच्चों इनकी चालकता की,
कि इसमें इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आसानी से, कितने इजी तरीके से बच्चों फ्लो हो लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो आपके चालक होते हैं बच्चों, उनकी चालकता कितनी पाई गई है, 10^4 से बच्चों, 10^4 से बच्चों कितनी पाई है बच्चों, 10^4 से 10^7, और बच्चों चालकता की मात्रक ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। तो ये क्या बच्चों, ऐसे ठोस जिसमें जिसकी चालकता कितनी हो, 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स हो, से हम क्या कहते हैं बच्चों, चालक कहते हैं। और कुचालक का बच्चों कितना होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, कुचालक का बच्चों 10^-20, कुचालक का बच्चों कितना पाया गया है, 10^-20 से 10^-10, कितना बच्चों, 10^-10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स किसका होता है बच्चों, कुचालक का होता है। और अर्धचालक का बच्चों कितना होता है, अगर आपसे कोई पूछे अर्धचालक का, तो बताइए बच्चों उन्हें 10^-6 से कहाँ तक होता है, 10^4 ओम इनवर्स और बच्चों क्या होता है, मीटर इनवर्स होता है। तो ये डाटा बच्चों आपको याद करने की ज़रूरत है, ये डाटा जो हमने बताई है, ये तीनों चालक का, कुचालक का और अर्धचालक का, ये डाटा बच्चों आपको क्या करने की ज़रूरत है, याद करने की ज़रूरत है, इसे बच्चों आप लर्न कर लीजिएगा। आओ हम अलग अलग इनकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो चालक क्या है बच्चों, वे ठोस, वे ठोस जिसमें, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह है, आसानी से होता है, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, तथा तथा इनकी चालकता 10^4 से 10^7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। तो उसे चालक कहते हैं, तो उसे बच्चों क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। इतनी बातें बच्चों समझ में, चालक क्या है आपका, चालक कंडक्टर क्या बच्चों, इतनी बातें समझ में आई। और देखते हैं बच्चों आपका कि कुचालक क्या है। अगर बच्चों हम आपका देखिए कुचालक क्या है बच्चों, तो कुचालक अभी हमने आपके बताया बच्चों सूखी लकड़ी, क्या सूखी लकड़ी में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो आप क्या बताएंगे बच्चों, नहीं होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो आप कह सकते हैं ऐसे ठोस जिसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कुचालक कहेंगे। और कुचालक की बच्चों चालकता कितनी होती है, कुचालक की चालकता 10^-20, 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये क्या बच्चों उसकी यूनिट है, उसकी इकाई है, ये इसकी क्या यूनिट है, इसकी इकाई है, होती है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, वे ठोस जिसमें, वे ठोस जिसमें, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, तथा नहीं होता है, तथा इनकी चालकता 10^-20 से 10^-10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स होती है। इतनी बातें समझ में आई बच्चों,
अब हम बात करें अर्धचालक क्या होते बच्चों। तो अर्धचालक क्या है बच्चों, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम हो। कहने का मतलब बच्चों, ऐसे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है, मतलब जिनकी चालकता किसके बीच में हो, चालक और कुचालक के बीच में हो, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, अर्धचालक कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। याद हम क्या लिखें बच्चों, वे ठोस जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत कम होता है अर्थात इनकी चालकता कितनी होती बच्चों, अर्थात इनकी चालकता कितनी होती बच्चों, 10^-6 से 10^4 अर्थात इनकी चालकता 10^-6 से 10^4 ओम मीटर इनवर्स होती है। इतनी बातें समझ में आई होगी। तो इतनी बातें बच्चों आपको समझ में आ गई होगी, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब बच्चों हम आपका आगे चलते हैं। तो ठीक है बच्चों, इतनी बातें आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बच्चों बात करेंगे कि चालक कितने प्रकार के हो सकते हैं। बच्चों चालक कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो आपने देखा होगा बच्चों चालक। अब कंडक्टर कितने प्रकार के हो सकते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में जो वायर्स लगे होते हैं वो धातुओं के वायर होते हैं। किसके होते हैं बच्चों, धातु के वायर होते हैं। अगर आपके धातुओं के वायर हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे बच्चों, धात्विक चालक कहेंगे। मतलब चालक अगर धातुओं के बने हुए बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, धात्विक चालक कहेंगे। और यही बच्चों आप देखते होंगे आपके घर में बच्चों इन्वर्टर लगा होता है। क्या लगा होता है, बैटरा होता है, और उसके साथ बच्चों क्या होता है, इन्वर्टर होता है, आपने देखा होगा। और उसने बच्चों जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके लिए जो जिम्मेदार होते हैं बच्चों, वो क्या जिम्मेदार होते हैं, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। क्या जिम्मेदार होते हैं बच्चों, वैद्युत अपघट्य पदार्थ जिम्मेदार होते हैं। इसलिए आप जानते रहिए उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनी चालक। तो चालक बच्चों दो प्रकार के, एक धात्विक चालक और एक क्या, एक विद्युत अपघटनी चालक। अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, धात्विक चालक में जो इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह होगा किसके कारण होगा, और जो विद्युत अपघटनी चालक होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किसके कारण होगा बच्चों। अगर आप बात करें कि किसका बच्चों, धात्विक चालक का, आपके घरों में जो वायर्स लगे होते हैं अक्सर लोग बोलते हैं बच्चों इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, किसके कारण बच्चों, आवेश के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। तो आप धात्विक चालक में जो विद्युत धारा को ले जाने के लिए जिम्मेदार होते हो, कौन जिम्मेदार होते बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होते हैं। कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिम्मेदार होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में जैसे बच्चों आपने NaCl लिया, और NaCl किस में ब्रेक होगा, Na+ और Cl- में ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब बच्चों Na+ और Cl- में ब्रेक होगा, हाँ बाबा बोलो, हेलो, हाँ अभी आते हैं, ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि धात्विक चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और विद्युत अपघटनी चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण हुआ बच्चों, आयन के कारण हो रहा है। किसके कारण,
आयन के। और आयन बच्चों आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक बच्चों क्या होता है, धनायन होता है, एक क्या होता है आपको धनायन होता है, और एक क्या होता है बच्चों ऋणायन होता है। एक क्या होता है बच्चों ऋणायन होता है। और धनायन क्या होता है बच्चों, जिस पर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, जिस पर कौन सा चार्ज हो बच्चों, पॉजिटिव चार्ज हो। और ऋणायन क्या होता है, जिस पर क्या होता है बच्चों, निगेटिव चार्ज हो। तो आयन दो प्रकार के, एक धनायन और एक ऋणायन। इतनी बात समझ में आई। तो धातु चालक दो प्रकार, एक धात्विक चालक, और धात्विक चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है बच्चों किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। और एक होता है विद्युत अपघटनी चालक, उसमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है किसके कारण होता है, आयन के कारण होता है। इतनी बातें समझ में आई होगी। अब अगली बात बच्चों सुनो, अगर आप कोई धात्विक चालक होगा, जैसे कि आपने सुना होगा कि हम कोई भी काम कर रहे हैं अपने घर में, कभी कभी आपकी जो हमने जो तार इस्तेमाल किया होता है बहुत पतला होता है बच्चों, क्या होता है बहुत पतला होता है, और कुछ टाइम के बाद वह तार गर्म हो जाता है। आप देखे होंगे वह तार गर्म हो जाता है, तो घर वाले आपसे कहते हैं थोड़ी देर के लाइट आप ऑफ कर दीजिए। ऐसा क्यों कहते हैं, ऐसा कारण इसलिए है बच्चों कि जब कोई धात्विक चालक होगा, और धात्विक चालक में बच्चों जब उसको हम ताप बढ़ाते हैं, जब उसका ताप बढ़ जाता है, तो बच्चों आपके जो आयंस होते हैं, सॉरी आपके जो धातुएं होती हैं, जो बच्चे आपकी क्या होती हैं धातुएं होती हैं, वो क्या करने लगती है, कंपन करने लगती हैं बच्चों, क्या करने लगती हैं, कंपन करने लगती हैं। जब वो कंपन करेंगी, ऑसिलेट करेंगी बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि जब ऑसिलेट करेंगी तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए, बहने के लिए जो जगह मिलेगा वह कम मिलेगा, जिसके कारण आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है बच्चों वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब बच्चों एक बात है, और ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है, इनकी चालकता क्या होती है बच्चों, घटती है। क्यों, क्योंकि क्योंकि धातुएं, क्योंकि धातुएं कंपन करने लगती हैं, कंपन करने लगती हैं। और यही बच्चों यहाँ पर देखिए, यही बच्चों आपके आयंस होंगे। अगर आप आयंस हैं बच्चों, आपके पॉजिटिव आयन अलग, निगेटिव आयन अलग, दोनों अलग है। अगर आप ताप को बढ़ाएंगे तो ऋणायन को भी ऊर्जा मिलेगी और धनायन को भी ऊर्जा मिलेगी। जो ऊर्जा होगी बच्चों वह आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है। जब आपकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आयंस और तेज़ी से बच्चों क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे, और तेज़ी से फ्लो होना स्टार्ट करेंगे। और जब तेज़ी से फ्लो होने स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या बच्चों, आसानी से जो प्रतिरोध होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा, और उसकी चालकता क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्या बच्चों, ताप बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है बच्चों, घटता है, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बच्चों क्या होता है आपका, घटता है। तो ये बच्चों आपको समझ में आई होगी, धातुएं बच्चों ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता घटती है, क्योंकि धातुएं कंपन करने लगती हैं, अर्थात प्रतिरोध बढ़ता है। यहां आप लिख सकते हैं बच्चों, अर्थात प्रतिरोध बढ़ता है, और यहाँ बच्चों आकर्षण बल घटता है, प्रतिरोध बच्चों क्या होता है, घटता है। ठीक है, इस प्रकार से बच्चों इसे आप याद रखिएगा, इसको हम ये इस प्रकार से अलग कर देते हैं यहीं पर। तो एक तरफ बच्चों क्या आपका धात्विक चालक है, और एक तरफ क्या है विद्युत अपघटनी चालक है। इसमें बच्चों विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, इसमें किसी कारण आयन के कारण होता है। और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या होती है बच्चों, घटती है, क्योंकि धातुएं क्या करने लगती है, कंपन करने लगती हैं। और इसमें ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ती है, क्योंकि इनके बीच का आकर्षण बल क्या होता है बच्चों,
घटता है। तो ये बातें बच्चों आपको लर्न करने की आवश्यकता है, आपको एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। एक बार रिवाइज कर लेंगे आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आई होप बच्चों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों इसको आप लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बच्चों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद और जय भारत।